इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेरा अगला टॉपिक है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। तो ये इस वीडियो से मैं इस सीवीसी के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो मेरा पीडीएफ है, जो मेरा ये नोट्स है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो मेरे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो ये जो पीडीएफ आपको बहुत सारे एग्जाम में काम आएगी पढ़ने के लिए, हार्ड कॉपी अगर आप चाहे तो, या उसे सॉफ्ट कॉपी से भी आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये मैं चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ और आगे मैं ले चलता हूँ ये चैप्टर को, ठीक है दोस्तों। तो ये अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन का टॉपिक कहाँ, आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो सेम में या जो ग्रेजुएशन, ये सब में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपना ये टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या ये एक हमारा सतर्कता इकाई का मतलब कि है, जो जांच कमेटी जैसा सीबीआई वैसे ही करके कुछ है। तो यहाँ पे जो इसका कुछ अंतर है जो मैं ले जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो है क्या करता है कि इसके समानता, इसकी जो समिति होती है उसकी कार्यकाल 4 साल की होती है, लेकिन ये 3 साल तक इसकी समिति का टेन्योर रहता है ज्यादातर, ठीक है। ये जो इसके जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार अंतर लगाने के लिए जो 3 प्रमुख एजेंसी है, जैसे लोकपाल हो गया, सीबीआई हो गया, और ये जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया। तो ये दोस्तों 3 कमेटी है, मतलब कि 3 एजेंसी है, जो मैं हम लोग एक सीबीआई पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और जो ये मेरा जो सीबीसी है वो इस वीडियो में कर रहा हूँ, तो और अगला वीडियो में हम लोकपाल कर रहे, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे चलता हूँ। जैसे सीबीआई का जो अस्थाना कमेटी था 1964 का, उसी से सीबीआई का संगठन हुआ। तो वही कमेटी ने क्या किया, इसको सीबीसी को भी सिफारिश किया कि सीबीसी का भी गठन होना चाहिए। ये हमारे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये प्रस्ताव को पारित किया गया, और उसके बाद ये सीबीसी का संगठन होता है। ये मूलतः ना संवैधानिक संगठन है और ना वैधानिक संगठन है। ये हाल ही में 2003 में जो हमारे केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश अध्यादेश ऑर्डिनेंस कहलाता है दोस्तों, जारी करके सीबीसी का गठन करते हैं, अध्यादेश है। मतलब कि अध्यादेश क्या होता है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि जो ऐसे कि कोई बिल को पारित कराना है, जो बिल को पारित कराना है, तो क्या होता है कि उसको पार्लियामेंट में पारित कराना पड़ता है। लेकिन एट द टाइम, उस समय अगर कोई पार्लियामेंट नहीं है, मतलब कि लोकसभा नहीं, राज्यसभा रहते तो रहते हैं, लेकिन लोकसभा का बैठक नहीं बुलाया गया, तो क्या करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक बिल लेके आते हैं और वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को साइन करवा देते हैं। डायरेक्ट प्रेसिडेंट साइन करवाते हैं, करने के बाद ये अध्यादेश पारित हो जाता है। इसका वैलिडिटी 6 महीना रहता है, विद इन 6 मंथ इसको लोकसभा या लोकसभा राज्यसभा से पारित करना पड़ता है। अगर ये लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं होता तो क्या, 6 मंथ के बाद ये अदालत एक्सपायर कर जाता है। तो ये जब लाया गया 2003 में, तो 2003 में लाया गया तो 2003 में लाया तो 2003 से 6 महीना तक इसको वैलिडिटी, इस बिल का वैलिडिटी रहता है। वैलिडिटी रहने के बाद क्या करते हैं कि अगर 6 महीने के बाद इसको पारित नहीं किया गया होगा बिल को, तो ये खत्म हो जाता है। लेकिन इस बिल को पारित कराया गया तो आज ये तक है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा सीबीसी है, सीबीसी है इस सहायक करता है, मतलब कि हमारे केंद्र सरकार को मदद करता है, क्या जो हमारे भ्रष्टाचार के मामले है उसको रोकने के लिए। ये जो इसकी जो नियुक्ति होती है, जो सीबीसी के जो मेंबर की नियुक्ति होती है, उसको डायरेक्ट हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते, और इसका जो राष्ट्रपति नियुक्त करते किसके सिफारिश पे, एक संगठन मतलब की कमेटी बैठता है, जिसकी कमेटी का अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर होते, और सदस्य हमारे जो गृह मंत्री होते, और जो लोकसभा के जो भी अपोजिशन लीडर होते, विरोधी दल के जो नेता होते वो होते, ठीक है। ये जो
ये तीनों आदमी क्या करते हैं, ये तीनों आदमी एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाने में कौन कौन रहता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, मंत्री हो गए, और जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो होते हैं दोस्तों। तो ये दोनों, ये तीनों क्या करते हैं, कमेटी बना के एक नाम को रिकमेंडेज करते हैं फिर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब उसकी नियुक्ति की जाती है, जबकि ये इसका कार्यकाल 4 साल होता है, 4 साल, और 4 साल और या 65 वर्ष तक, 65 वर्ष मतलब कि 4 साल हो या 65 वर्ष तक वो आदमी का एज हो। उसके बाद अगर क्या होता है कि अगर कोई आदमी 60 साल पे होते हैं तो वो 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उसको उसका सीनियर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कोई आदमी 63 साल में होते हैं तो 63 साल से क्या होगा, 4 साल तो 66 हो जाता है, लेकिन क्या होता है 63 से 3 ही साल वो काम करेंगे और वो 65 में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो देखा जाता है कि ज्यादातर लोग क्या 3 साल का ही टेन्योर को पूरा करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं ये अगस्त 1998 में जो हमारा जो सीबीसी का जो 110 आयोग बनाया गया, जिसका प्रावधान रखा गया कि 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किए करे, और उसका अधिकतम जो आयु था वो 65 वर्ष हो। मतलब ये एक तरह से प्रावधान किया गया, रिपोर्ट मतलब कि रिकमेंडेशन किया गया, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं माना गया, तभी आज क्या है ये 4 साल और 65 वर्ष, ठीक है। उसके बाद जो सीबीसी के नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने और जो जिस व्यक्ति लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष हटते उसी ढंग से इसको भी हटाने की प्रावधान देखा गया, रखा जाने की रिकमेंडेशन करते हैं जो हमारे जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे। क्यों, क्योंकि इस तरीके से अगर हटाया जाए तो वो सीबीसी और मजबूत होगा, उसका एक अच्छा यूपीएससी का जो चेयरमैन को हटाने का एक अच्छा प्रोसेस होता है, जो अच्छे टाइम लगती है, अच्छे तरीके से वो उसको हटाया जाता है। लेकिन जैसे सीबीआई हो गया या जो सीबीसी के जो चीफ होते हैं उसको आसानी से प्राइम मिनिस्टर हटा देते हैं, देखते देखें कैसे हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए उनका जो कमेटी था वो कमेटी इसको सिफारिश करते हैं कि इस तरीके से हटा दिया जाए। फिर उसके बाद जो और जो सिफारिश करता है कि जब वो रिटायर हो जाते तो ना केंद्र और राज्य किसी भी सरकारी पद पर वो काम करेंगे, और उसके बाद जो सीबीसी में का जो जो निदेशक का जो निदेशक होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रमुख रूप से किसी भी सरकारी या प्राइवेट एजेंसी में काम नहीं करेंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद वो कोई काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखा गया कि अगर वो काम करते तो क्या क्या होता कि आज किसी को पर्सनल किसी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, पेंशन बेनिफिट पहुंचाने के बाद क्या वो जब रिटायर कर जाते तो वो आदमी से फिर बाद में वो कुछ प्रेफरेंस ले सकते थे। इसीलिए क्या किया गया कि बताया हमारे जो एजेंसी कमेटी के जो अध्यक्ष उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि वो रिटायर करने के बाद कोई काम ही नहीं करेंगे, पर पेंशन मिलेगा अपना, वो अपना 65 साल के बाद वो आराम से बैठ के खाएंगे, ठीक है। और क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पेंशन के रूप में मिलता है, अलाउंस मिलता है, जिससे वो आगे चल के काम ना भी करे तभी भी चल जाता है, ठीक है। तो ये जो सीबीसी है जो हमारा केंद्र सरकार में क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार को प्रमुख को रोकने का काम करता है। उसके बाद ये जो मामला को ये कोई बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें क्या करते हैं ये केंद्र सरकार सलाह भी देती है, उसके बाद ये जो मामला को देखती है उसको रिपोर्ट क्या केंद्र सरकार को पहुंचाती है। फिर उसके बाद ये जो होते हैं मतलब कि जो मेंबर होते हैं सीबीसी के वो ईमानदार होते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था से आए रहते हैं, ठीक है, उसको देखभाल करता है। अतः लोक सेवा आयोग की तरह ही उनकी भूमिका सलाहकार की जाती होती है। लोक सेवा जो ज्यादातर जो सीबीसी के जो मेंबर होते हैं वो लोक सेवा आयोग से ही आए रहते हैं, मतलब आईएएस ऑफिसर लगभग होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो अपने कार्य को क्या लोक सेवा आयोग के स्तर तक मतलब कि स्तर तक इनका स्वतंत्र कार्य होता है, मतलब इनका जो कार्य होता है वो कोई मिनिस्ट्री या कोई मिनिस्टर उसको बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकता। जैसे लोक सेवा आयोग जो इस लोक सेवा आयोग के बात करिए, जैसे ऐसे सीबीआई को देखे थे वहां पे क्या हुआ, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ, लोक स्वतंत्र हुआ,
तो वहां पे कोई उसको हस्तक्षेप नहीं करता था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। तो इसी वजह से क्या होता, सीबीसी को भी कोई रोकने वाला नहीं है, ये कोई मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर मंत्रालय के दबाव में नहीं आता, वो अपने काम करते जाता है। क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा जैसे सीबीआई का क्या पीएमओ के अंडर में काम करता था, वो वैसे ये भी अपना पीएमओ के अंडर में काम करता है। ठीक है, ये अपने गतिविधि को जो वार्षिक रिपोर्ट है जो मंत्रालय को देती है, मंत्रालय को देती है, उसके बाद मंत्रालय क्या करता है, वो संसद को वो अपना संसद को रिपोर्ट पहुंचाता है। मतलब ये मंत्रालय को अपना जो मंत्रालय उसमें देती है, मतलब कि ऐसा ना है कि जैसे कि ये इस पर कोई अलग अलग मंत्रालय, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, जैसे कि मतलब कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो गया, तो ये सर इसको दबाव नहीं देता। तो ये अपने जो मंत्रालय उसके अंदर में रहता है, इसके वो मंत्री के अंदर में रहता है, और जो दूसरे मिनिस्ट्री है वो इस पर दबाव भी डालते हैं, दबाव भी डालते हैं। उसके बाद ये अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या, मतलब कि वार्षिक रिपोर्ट क्या करते हैं कि ये अपने मंत्री मंत्रालय को देते हैं, उसके बाद वो मंत्रालय क्या करते हैं, दोनों सदन में रिपोर्ट पहुंचाते हैं कि ये एक साल में ये काम ये लोग किए हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार के मतलब कि अधिकारी के सीमा में ये काम करते हैं, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये काम करते हैं। अब हम प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, मतलब कि इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। जैसे कि दिशा निर्देश हो गया कि मतलब ये दिशा निर्देश किस किस दिशा में ये काम करते हैं। जैसे कि ये निचले स्तर के अधिकारी समिति जो सतर्कता के इकाई का जो कर्मचारी जो कार्यकाल है एक मतलब कि जो 3 वर्ष तक समिति का होना चाहिए, मतलब कि निचले स्तर का जो भी अधिकारी हुआ, निचले स्तर का अधिकारी हुआ और उसके जो सीबीसी के जो कर्मचारी हुए उसका कम से कम मतलब स्थान रूप से 3 वर्ष होना चाहिए। मतलब किसी समिति है वो 3 वर्ष कंफर्म होती है कि होना चाहिए, तो हम पहले ही बताया कि इसका टेन्योर कितना है, 4 साल होता है, लेकिन 3 वर्ष तक कम से कम होना चाहिए। अब देखिए 3 वर्ष क्यों होता है, 4 साल है लेकिन 3 वर्ष क्यों होता है, इसका भी कारण है जो हम लोग देख लेते क्या कहते हैं कि जैसे कि 3 वर्ष तक होता है वहां पे, तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ज्यादा देर वहां पे कोई ऑफिसर कोई कर्मचारी रहते हैं तो उनको क्या पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करने लगता है, क्या कि वो ज्यादातर देखते हैं कि कैसे इसका यूज करना चाहिए। ये एक ऐसा एजेंसी है जो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करता है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पैसा तो बहुत होता होगा। जो ऑफिसर लोग हैं उनके पास अगर पावर हो गया तो वो कोई भी केस हो क्या अच्छा से डील करेंगे, और पैसा मतलब कि वो खुद करप्शन कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसे एक एजेंसी को ज्यादा टाइम ही नहीं दिया जाता, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, उसको समझने का टाइम नहीं दिया जाता कि करप्शन कैसे करे कहाँ से करे। इसके अंतर्गत ही क्या होता है, जब तक समझे जब तक उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या रिटायर कर दिया जाता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये जो एजेंसी सब है उनको ज्यादा दिन काम नहीं करने देता है, मतलब कि एजेंसी में ज्यादा जो ऑफिसर लोग होते हैं उनको ज्यादा दिन काम नहीं करने देते, उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अन्य जो पोस्टेड है उसके साथ कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। अगर क्या करता है, वो निचले स्तर के पोस्टिंग है पोस्ट है तो उसमें क्या करता है, उसमें 3 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है, अगर वो अच्छा से काम करे तो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जो जिन कर्मचारी के द्वारा एक स्थान पर ये जो सीबीसी में 5 वर्ष पूरा हो जाता है उसको हमेशा के लिए वहां से क्या करता है कि उसको हटा दिया जाता है। मतलब कि क्या हुआ, कोई कर्मचारी 3 वर्ष काम किया वो अच्छा से काम किया, कोई कर्मचारी निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम करता है वो कर्मचारी काम किया 3 वर्ष उसके बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस आता तो उसको 3 वर्ष और रिकमेंडेशन किया जाता है। लेकिन क्या होता है, 5 वर्ष के बाद उसको हटा ही दिया जाता है। मतलब कि 5 वर्ष मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम 5 वर्ष में उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट से हटा के कोई दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि जब मैंने पहले बताया कि अगर ज्यादा दिन उसी पोस्ट पर उसी जगह पर रहेंगे तो हम लोग को पता चल जाता है कि कैसे करप्शन करते हैं, कैसे हम लोग मिसयूज करेंगे पावर को। तो इसीलिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नियम ही बनाया कि अब उसको 5 साल में हटा दिया, 3 साल नहीं तो 5 साल में उसको
वहां से पोस्टर से ट्रांसफर कर दिया जाता, हटा दिया जाता है। वो व्यक्ति को जो उसको हटा दिया जाएगा, उसको पूर्ण रूप से अगर लाने की जरूरत पड़ती है मतलब कि, तो उसको बाद में मतलब कि कोई अगर अच्छा ऑफिसर पहले 3 साल काम किया, फिर 2 साल 3 साल का शहर दिया तो 5 6 साल हुआ, लेकिन 5 साल तक उसको हटा दिया जाता, ट्रांसफर कर दिया जाता। फिर क्या होता, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मानिए कि वो सीबीआई डिपार्टमेंट में चला गया वो ऑफिसर, लेकिन क्या होता फिर वो अच्छा काम करता है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो क्या करते हैं कि लोग मतलब कि उसके जो ऑफिसर होते हैं, हायर ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं उसको पूर्ण रूप से लाते हैं तब जब उसकी जरूरत पड़ती है। जब पूर्ण रूप से वो उसको लाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम पीरियड होना चाहिए, इसके बीच में एक टाइम पीरियड होना है 5 साल, और 2 3 साल के बाद फिर उसको लाया क्वेश्चन करेगा, तो फिर वो 3 साल के लिए वो आएगा यहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन एक क्या होता है, एक बीच में टाइम पीरियड होता है, जो पहले पोस्टिंग हुआ उसके बाद फिर दूसरी पोस्टिंग हुआ, उसके बीच में एक टाइम पीरियड क्या होता है जिसके कारण वो अपना सेवा देता रहता है, ठीक है। जो कर इसके बाद इसका कारण क्या है, पहले हम बता चुके क्या होता है, ये संदेशशील मतलब कि ये बहुत एक हाईली प्रोफाइल एजेंसी है, जहां पे क्या करते हैं लंबे समय तक काम करेगा लोग, तो क्या अधिकारी को पर अपने प्रति क्या विकास होने लगेगा, या साथ ये इमोशनल फीलिंग होगी वो अटैच होने लगे वो पोस्ट से, जिसके कारण क्या करता है वो अगर कोई आरोप शिकायत आता भी है तो वो अपना अपना इमोशनल में काम करने लगेगा, या अपना बेनिफिट के लिए काम करने लगेगा। इससे क्या होता है, इससे जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, न्यूट्रलिटी है, ये सब जो पारदर्शिता हो गया, निष्पक्षता हो गया, एकरूपता हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब हैम्पर होने लगेगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा वो आदमी का। इसीलिए क्या करता है कि वो आराम से हटा दे, ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वो बचा रहे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं सीबीसी का जो आयोग के बारे में हम देख लेते हैं। जो सीबीसी आयोग जो स्थानीय रूप से किया हमारा एक जांच एजेंसी है, जिसका कार्यकारी जो प्रधानता के नियंत्रण रखने पर मतलब कि करप्शन से मुक्त बनाने का ये इनका प्रधानता है, और इनका निगरानी करते, इसलिए वो पूरा निगरानी करते रहते हैं कि कौन आदमी करप्शन करता है कौन नहीं कर रहा है। उसके बाद जो ये जो हमारा केंद्रीय ये सरकारी संगठन जो भिन्न 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 पदाधिकारी ऑफिसर होते हैं, उनको भी ये अपना देखते रहते हैं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर है भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर है उसको भी ये देखते रहते, मतलब एजेंसी आराम से देखते रहते, वॉच करते रहते हैं कि कैसे वो आदमी कर रहा है, कहीं वो करप्शन मैंने कर रहा है क्या, वो योजना बना रहा है तो कोई योजना वो ऑफिसर बना रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो बना रहा है वो किसी विशेष को विशेष व्यक्ति को क्या प्रॉफिट पहुंचा रहा है, या इसीलिए वो धीरे धीरे देखते रहते हैं, सबको वो वाच करते रहते हैं कि कोई आदमी क्या विशेष रूप से किसी को प्रॉफिट नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए वो वाच करते थे, ये इनका काम है, ठीक है। अब इसका तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, तो ये क्या 1964 में हमारा पहले बता दिया 1964 में जो हमारा भ्रष्टाचार के लिए जो कमेटी बना था, सीजीवीसी का जो रिकमेंडेशन था कि एक सीबीआई और वैसे ही सीबीसी हमारे लिए भारत के लिए बने, ठीक है। जो क्या हम कर क्या करें भ्रष्टाचार को रोके, फिर उसकी कमी इसीलिए इन्होंने क्या एक स्थानीय कमेटी क्या बनाई, कमेटी ऑफ सॉरी कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो ये कमेटी थी कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये कमेटी का सिफारिश पर सीबीसी के संगठन की जाती। उसके बाद 2003 में क्या होता है, ये जो सीबीसी का ये जो एक्ट होता है, एक्ट लाया जाता है जिस पर उनको क्या संवैधानिक मान्यता देने की पुष्टि कर दी जाती है, मतलब इसको संवैधानिक मान्यता दी जाती है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र कार्य करे और ये एक केवल संसद के ही जिम्मेदार मतलब संसद के लिए ही जिम्मेदार हो, मतलब कि इस पर कोई डायरेक्ट किसी भी मिनिस्ट्री को, मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, या जो मतलब ये फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, या कोई भी मिनिस्ट्री हो गया, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री हो गया, ये सब मिनिस्ट्री को वो जवाबदारी नहीं करते, वो डायरेक्ट क्या संसद को जवाब देते हैं और इसीलिए वो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये अपने रिपोर्ट किसको
राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते वो ठीक है ये अपना रिपोर्ट, जैसे कि कोई केस आया को केस आया तो वो केस को सॉल्व कर दिया तो वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और एक बात बताया थे जो वार्षिक रिपोर्ट होता है वो अपने मिनिस्ट्री को सौंपेंगे, मिनिस्ट्री क्या करेंगे उसको वो संसद में रिपोर्ट को पेश करेंगे कि आज एक साल में ये काम ये सीबीएसई किए हैं ये बताते हैं। इसके बाद इनका कार्य क्या होता है, ये जैसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश जो सीबीआई था उसी के एक्ट के तहत इनको भी सीबीसी को रखा गया, सीबीसी को रखा गया जो नियंत्रण करते निगरानी करते हैं। और ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत इनको अपराध को जांच करने का पद मिल जाता है, मतलब कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत वो किसी भी केस को मतलब कि वो उनको केस वो मिलता है किसी भी केस उस केस के अंतर्गत किसी भी आदमी से वो जांच कर सकता है। सीबीसी हमको पहले ही बताया कि भ्रष्टाचार के या मतलब कि कार्य अपने जो पावर को क्या कोई मिसयूज करता है उसके संबंध में क्या उसको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी आदमी अपना जो ये पावर है उसको मिसयूज कर रहा है तो उस पर वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित शिकायत में जैसे कि कोई आदमी शिकायत किया कि वो आदमी क्या कर रहा है, वो ऑफिसर हमसे करप्शन का घूस मांग रहा है, 1 करोड़ रुपया घूस मांग रहा है। कोई आदमी बोलेगा कि कोई एक नियम मेरे ये काम करने के लिए ये टेंडर के लिए 1 करोड़ का घूस मांग रहा है, ऐसा कोई शिकायत करता तो सीबीसी उसका मामला दर्ज करता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई करता है। ये मतलब पहले बताया कि केंद्र सरकार लोकपाल और जो विजल ब्लोअर है एक्ट लॉ है उसके तहत ये अपना काम पूरा करता है, ये सब से मदद लेता है जैसे केंद्र सरकार के लोकपाल के और जो सूचना पर अपना ये जो विजल ब्लोअर हो गया इस सबसे वो अपना काम में हेल्प लेता है और उसके बाद वो अपना शिकायत लेगा और उसके बाद हेल्प करके आगे काम कार्रवाई करें। उसके बाद जो सीबीसी है जो एक एजेंसी है जैसे कि एसबीआई था वो एक केंद्रीय संगठन के चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं जो पर निर्भर करता है। यहाँ पे चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं सबका हेड होता है चीफ विजिलेंस कमीशन, वो दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई अपना जैसे काम करते हैं वैसे इनका जो विन होता है एक पूरा ऑफिसर होते हैं पूरे हायरार्किकल ऑफिसर होते हैं वैसे सीबीसी के पूरे हायरार्किकल वे में ऑफिसर होते हैं। इनके नियंत्रण में क्या करते हैं बहुत सारे लोक सेवा आते हैं मतलब कि ये बहुत सारे सेवा देते हैं जैसे कि हम देख लेते हैं पहला केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इनके अंतर्गत आते हैं, मतलब केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी अगर घूस लेता है करप्शन करता है तो ये डायरेक्ट कोई भी विभाग के हो उसके उसको डायरेक्ट ये एक्शन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नियुक्ति भी क्या होता है, नियुक्ति भी क्या होता है केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी हो जो अच्छा काम करते हो तो इनके उसमें से कोई भी मतलब कि जो चीफ विजिलेंस कमीशन ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं जो अच्छा काम करे उसको बुला लेते हैं। और उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम निगमों और केंद्र सरकार के सभी आधारित काम को वो स्थापित करते हैं, मतलब कि जो बहुत सारे निगम का काम हो गया जो केंद्र सरकार का अधीन में जो काम हो रहा है उसको भी स्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली महानगर परिषद दिल्ली नगर लोकपाल का परिषद के सभी कर्मचारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब वर्तमान में क्या अधिकार क्षेत्र केवल ये लोक राजपत्र अधिकारी के स्तर से लेकर ये सभी के अंदर ये सभी अधिकारी इन्हीं के अंदर आते हैं, ये आराम से उनके जांच कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी सांसद हो गया या मंत्री जुड़ा हुआ या एमएलए जुड़ा हुआ है उस सब के ऊपर भी ये जांच करते हैं। ये आयोग क्या भ्रष्टाचार और दुराचार
के विरोध में शिकायत कोई नागरिक करते हैं तो उससे ये मिलते हैं और उसका जांच करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, और ये कैसे कोई नागरिक उसकी ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्ट कर देता है उस पर वो काम करते हैं। इसके लिए वो उनका क्या होता है, प्रिंटिंग रिपोर्ट होता है, लेख कैसे वो जांच करते हैं, पहले क्या प्रिंटिंग रिपोर्ट होता है, फिर लेख परीक्षा रिपोर्ट होता है, फिर विभिन्न प्रकार के जो परिशिष्ट अधिकारी उसे जाके मिलते हैं, फिर संसद द्वारा लगाए गए आरोप को वो क्रॉस चेक करते हैं, फिर वो जो संसद द्वारा रिपोर्ट को एकत्रित करते हैं, रिपोर्ट को लेकर उसके बाद वो अपना जांच को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके कार्य क्या होते हैं, निम्नलिखित कार्य है देखे जाते, जैसे प्रत्येक लेन देन को या जो देखभाल करते देखते हैं कि कोई लेन देन अच्छा है कि कोई लेन देन खराब है, मतलब कि वहां पे करप्शन चार्ज हो सकता है, करप्शन हो रहा है उसको देखते हैं, जहां पे इनको संदेह होता है वहां पे वो आरोप और संदेह या आरोप होता तो वहां पे वो आगे जांच बढ़ाते हैं। लोक सेवा के जो विरुद्ध में जो भ्रष्टाचार, दुरुपचार, अपराध, ईमानदारी के अभाव या अन्य जो प्रकार के जो आचरण का शिकायत मिलता तो उसको भी जांच पड़ताल करते हैं। मतलब कि जो लोकसभा के अलग अलग जो कर्मचारी हो गए, ईमानदारी का जो कम ईमानदार हो गए, जो तो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई लोकसभा के ऑफिसर यूज कर रहे हैं तो वहां पे जाके भी ये अपना काम करते हैं। मंत्रालय विभाग जो सार्वजनिक जो पाकिस्तान बैंक जैसे SBI बैंक हो गया या कोई भी बैंक हो गया, वहां पे कोई अगर आदमी कोई ऑफिसर भ्रष्टाचार कर रहा है तो यहाँ पे ये एजेंसी क्या करेंगे, अपना सामान्य रूप से जांच करते हैं और वहां पे जाके अपना जांच करके अगर कोई मामला गलत होता है तो उसको आगे तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं। उसके बाद जो अनुशासनिक अधिकारी होते हैं जो स्वतंत्र ढंग से अपना मतलब कि काम नहीं करते हैं, मतलब कि अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो उनको पहले पहले वो करप्शन नहीं करते बस गलत करता है तो उनको जाके समझाते हैं। उसके बाद अगर वो भी सभी भी नहीं समझते, वो कानूनी रूप से काम नहीं कर रहे हैं वो ऑफिसर, तो उनको समझाने के बाद फिर क्या करता है, उन पर एक्शन लिया जाता है। फिर भ्रष्टाचार के क्षेत्र में जो प्रशासन में कोई कमी आ जाती है, ईमानदारी में कमी आ जाती है या जो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है तो उन लोगों को पहले नोटिस भेजा जाता है। अगर वो क्या करते हैं कि तभी भी नहीं सोच रुकते हैं और वो करप्शन कर लेते हैं, पहले वो सोच रहा है कि वो ऑफिसर सोच रहा है कि मैं करप्शन करने के लिए, अगर वो पता चलता है CVC को तो पहले वो नोटिस भेजते हैं, उनको समझाते हैं, अगर फिर भी वो नहीं रुकते तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है। उसके बाद आगे के जो शिकायत के अधीन जो शिकायत मिलता है उसी शिकायत के अधीन को रिपोर्ट बना के वो आगे चलते हैं। अब इनके अंतर्गत क्या आता है, इनके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे कि जो संबंधित विभाग मंत्रालय या इन जो जांच कर सकते हैं, ये सब आते का कोई रिपोर्ट आया, मतलब कि केस आया वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी पूरा आता है, फिर वो जो डिपार्टमेंट होता है वो पूरा आता है, फिर ये अपना काम क्या CBI से भी बोल सकते कि आप थोड़ा जांच में हेल्प कर दीजिए, तो ये CBI से भी हेल्प लेते हैं। उसके बाद CBI के के मामले दर्ज करने पर इनको जांच करने की आदेश मिल जाती है, CBI की हेल्प लेते हैं, और मतलब कि दोनों एजेंसी का एक दूसरे को हेल्प लेते हैं और जिसके बाद वो आराम से काम करते हैं। अब मंत्रालय विभाग के जो प्रमुख जो मुख्य सीबीएसई ऑफिसर होते हैं वो क्या कहते हैं कि एक बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो मंत्रालय के ऊपर में मंत्रालय में भी अगर क्या एक्शन हुआ रहता है तो वहां पे जाके वो काम करते हैं और उसका वो एक अच्छे से जांच करते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट अपने को अपने इनको सौंप देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये एक बहुसंख्यक आयोग है, मतलब कि इसमें जिसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और दो इसके मेंबर होते हैं, ये मतलब एक पद का आयोग नहीं है, ये बहुसंख्यक आयोग, मतलब कि कम से कम तीन मेंबर होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए, CVC चीफ ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद दो इसके जो सदस्य होते हैं, मतलब ये तीन आदमी के ये एजेंसी होता है, कम से कम इसका तीन मेन आदमी होता है, उसके बाद पूरा हायर कर स्टाफ ऑफिस होता है।
अब इसका नियुक्ति हम पहले बता दिए कि इसका नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति एक समिति बनाते हैं, जिस समिति में क्या हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री क्या होते हैं उसके सदस्य होते हैं, और लोकसभा के जो विपक्षी नेता होते हैं वो भी इसके सदस्य, मतलब टोटल की कमेटी में कितना तीन हो गए, एक हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए, फिर हमारा जो दूसरा गृह मंत्री हो गया वो सदस्य हो गया, और जो ओपोजिशन लीडर होते हैं विपक्ष के जो लीडर होते वो इसके सदस्य होते हैं, ये तीनों होते हैं। ये एक आदमी का रिपोर्ट तैयार करके कमेंटेशन करेगा हमारे जो राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके कार्यकाल जो हमारा 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो पहले आ गया उस पर ये रिटायर हो जाते हैं। ये मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई आदमी 61 साल में अपॉइंट होता है, उसके बाद वो 4 वर्ष या 65 साल तक वो 65 साल में वो रिटायर होगा, लेकिन कोई आदमी 60 साल में अपॉइंट हो जाता है तो 4 वर्ष क्या 64 हो गया, 64 हो गया तो 64 में वो रिटायर कर जाता है, तो वो 65 साल तक नहीं जाएगा। ठीक है, कोई आदमी अगर 62 साल में 63 साल में होता है तो उसके 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 63 67 होगा, लेकिन क्या 65 में वो रिटायर कर जाता है। ये 4 वर्ष मुख्य रूप से बोला जाता है, लेकिन होता क्या 3 वर्ष में ही इनको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले भी खोज दे चुके थे, क्या वो ये इतना हाई प्रोफाइल ऑफिस है कि ज्यादा ये अगर वहां पे बैठेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा वो करप्शन कर सकते हैं या जो पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं केस को, इसीलिए यहाँ पर से जल्दी इनको 3 साल में ही हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको रिमूवल कैसे किया जाए, अगर तो ये एक रिमूवल हो गया क्या वो उनका टाइम टिकट खत्म हो गया तब, या उसको क्या करते हैं कि रिमूवल कैसे किया जाए, हम लोग देखते हैं क्या राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति इनको ही सिर्फ हटा सकते और कोई नहीं हटा सकते, इतना तो हम लोग को मालूम ही है। ठीक है, जो भी पद को राष्ट्रपति नियुक्ति करते उसको कौन हटा सकता, सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। जैसे कि अगर IAS और DM के पद को कौन नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उनको कौन हटा सकते हैं, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो क्या उसके अब और जो दोषी प्राप्त होता है कि वो आदमी दोषी हो गया तब उसको हटा सकते हैं। जैसे कि उसके नैतिक आधार पर कोई आदमी का छवि खराब हो जाता है, वो कोई करप्शन चार्ज में लीन हो जाते हैं जो ऑफिसर हुए उस आधार पर हटा सकते हैं, यदि उसका कार्य वो कार्य का जो कार्य क्षेत्र है जो बाहर हो अपने बाहर से कोई लाभ प्राप्त करे, मतलब वो पर्सनल लाभ कई दूसरे से प्राप्त करे, मगर दूसरी एजेंसी से प्राप्त करे, प्राइवेट एजेंसी से प्राप्त करे, प्राइवेट प्लेयर से प्राप्त करे, तो क्या होगा उनको हटा सकता है, मतलब पर्सनल बेनिफिट पर्सनल प्रॉफिट वो दूसरे आदमी से नहीं कर सकते, मतलब वो बाहर कोई काम नहीं कर सकते, या कोई बाहर काम करते हैं या कोई कहीं से वो पैसा ले रहा है तो वहां से उस आधार पर उनको हटाया जा सकता है, या मानसिक या शारीरिक रूप से वो क्या होता है कि बीमार हो जाते हैं, जो काम करने में असमर्थ होते हैं इस आधार पर भी उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि वो आर्थिक या किसी रूप से किसी प्राप्त से किसी से वो मदद लेते हैं, मतलब घूस एक प्रकार का लेते हैं, करप्शन लेते हैं, उस आधार पर भी हटा दे, मतलब आर्थिक रूप से किसी का मदद लेते हैं, मतलब करप्शन टाइप का की जैसे कि वो कई केस कर केस को जांच कर रहे हैं, जांच करने के उसी समय में क्या क्या जो आरोपी है उसी से वो कुछ ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, आर्थिक सहायता कर ले लेते हैं, तो उस तरफ भी हटा दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे इसका जो केंद्र के जो विजिलेंस CVC है के नियुक्ति होती है या जो उसके और जो मेंबर होते हैं वो दुराचार, मतलब किसी के साथ बदतमीजी करे या जो अपने क्षमता को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे, मतलब कि वो किसी के साथ बदतमीजी करे या कुछ उनका जो कैरेक्टर है उसमें भी कुछ खराबी है, तो इसमें जांच होता है, उसका एक जांच होता है, उसमें जांच के में अगर वो दोषी पाए जाते तो हटा दिया जाता है, या वो क्या कहते हैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पद सौंप दिया जाएगा तो उससे भी ये हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा CVC हो गया, फिर जो हमारा CBI हो गया, ये सब का जो ऑफिसर लोग होते इसी तरह से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा चैप्टर इस प्रकार से हम लोग CVC के बारे में अच्छे से देख लिए, CVC के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, रिमूवल कैसे होते हैं,
उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, सीबीसी का संगठन का गठन का जो समिति होता है वो कैसे बनता है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिए, फिर इसका जो पावर का मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इस प्रकार से हम ये देख लिए। ये आशा करते हैं कि ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। फिर से मैं बोलता हूँ ये जो मेरा पीडीएफ है वो मेरे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया और वो आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं क्लास खत्म करता हूँ। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।